रीडिंग पाली 6, पाली पढ़ो भाग 6। ये पाली पढ़ो जो भाग है जो हम बना रहे हैं, ये दरअसल बच्चों के लिए हैं कि बच्चे पाली पढ़ना सीखें, पाली को रिपीट करना सीखें। आपसे निवेदन है कि ये जो वीडियोस हैं इनको आप डाउनलोड करके रख लें और बच्चों को बीच बीच में अपने टीवी पे या अपने मोबाइल पे या अपने कंप्यूटर पे दिखाते रहें, सिखाते रहें और उनसे बच्चों को प्यार से बोलें कि जैसे जैसे ये बोला गया है वैसा वैसा देखकर बोलें और उसको रिकॉर्ड करें, उसका वीडियो बनाएं, ऑडियो बनाएं और अपने रिश्तेदारों को व्हाट्सएप पर, ग्रुप पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर या जहां भी सोशल मीडिया है जैसे भी है उसको भेजें और अपनी मेमोरी के लिए, अपने बचपन की यादों के लिए भी रख लें धम्म को सीखने का, क्योंकि पाली बहुत आसान है। दरअसल हिंदी ही पाली है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको आभास हो रहा होगा इस बात का, आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो हिंदी ही है, दरअसल ये हिंदी ही है, ये मराठी ही है, ये गुजराती है, इसमें कोई अंतर नहीं है। एक एक शब्द जैसे जैसे मैं बताता जाऊंगा आपको ताज्जुब होगा कि पाली तो नाम इसका बाद में पड़ा, बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल हिंदी है, थोड़े से शब्द इसमें हिंदी में जो बाद में मिक्स किए गए थे वो नहीं है, अगर उनको निकाल देंगे तो ये पाली बन जाती है। तो आज हम भाग 6 में पढ़ेंगे जो रत्नत्वय है। रत्नत्वय में जो दूसरा आता है वो आता है धम्मो, यानी धम्म के बारे में। तीन रत्न है हमारे, जिसमें एक बुद्धो है, एक धम्मो है, एक संगो है। बुद्धो का मैंने 5 में बताया था, ये 6ठा इसमें है। इस प्रकार से है, स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको एकालिको एही पस्सिको ओप नैको पच्च तंग वेदी तब्बो व्यू ही ती। इसको अगर हम एक लाइन में पढ़ेंगे तो इस प्रकार है, तेजी से पढ़ेंगे तो, स्वाखातो भगवता धम्मो संदिठिको एकालिको एही पस्सिको ओप नैको पचतंग वेदितब्बो व्यूही ती। इसमें धम्म के गुण बताए गए हैं और एक एक शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्वाखातो का मतलब है, ये दो शब्दों से बना हुआ है, स्वाखातो का मतलब है कि सुआख्यात, यानी जिसको सुआख्यात किया गया है, ऐसा है जिसकी सुआख्यान किया गया है, व्याख्या अच्छी, सु माने होता है अच्छा, तो जिसकी अच्छी व्याख्या की गई है, यानी कि भगवान बुद्ध ने धम्म के बारे में जो भी बताया उसको बहुत अच्छी तरह से व्याख्यित किया हुआ है, व्याख्या बताई है उसका बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया हुआ है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा हुआ है, एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर कई कई बार बताई है अलग अलग लोगों के हिसाब से। अगर कोई कम सीखा हुआ है, कम जानता है तो उसके हिसाब से, कोई किसी को कैसी उपमा यानी एग्जाम्पल दिया है, किसी को कैसा एग्जाम्पल उपमा दी हुई है, तो उसके हिसाब से सु आख्यात है, यानी सु वर्णीय है, सुवर्णीय किया हुआ है, अच्छी तरह से बताया गया है, तो इसको बोलते हैं स्वाखातो, स्वाखातो। फिर आता है भगवता, भगवता माने होता है भगवान, जैसे बुद्धा माने होता है बुद्ध, और जो भगवता माने होता है यानी भगवान, बुद्ध माने एक भगवान, बुद्धा माने बहुत सारे, ऐसी भगवता माने जो बहुत सारे भगवान हैं उनके लिए, सभी बुद्धों के लिए हैं। धम्मो यानी सारे भगवानों का धम्म है, इसका भगवता का मतलब है कि जितने भी भगवान आज तक हुए, जितने बुद्ध हुए हैं उन सबको भगवता का है, और अगर एक ही बुद्ध होते उनके लिए बोला जाता तो फिर होता भगवतो, तो भगवता बोला है, भगवता माने सारे भगवान। धम्मो, धम्मो का मतलब है धम्म। संदिठिको, संदिठिको में दो शब्द से मिला हुआ शब्द है ये, एक स है इसमें और एक दिट्ठी है, स दिट्ठिको, स माने जहां भी स लग जाए उसका मतलब है निज, यानी स्वयं में, यानी जो मेरा शरीर है उसको स बोलेंगे, जैसे स संसार को बोलते हैं हम, स सार, यानी कि हमारा सार, यानी हमारे शरीर का सार, स सार का मतलब दुनिया नहीं होती, दुनिया को तो बोलते हैं पर लोक, यानी शरीर से परे की, इसको बोलते हैं दुनिया। तो संदिठिको का मतलब है कि अपने आप को देखना, क्योंकि सारा भगवान ने जो विज्ञान बताया है, जो व्याणा बताया है, वो इस शरीर के अंदर बताया है कि हमारा शरीर कैसे काम करता है और हमारा मन कैसे काम करता है। मन को उन्होंने नाम बोला है और शरीर को रूप बोला है, तो नाम रूप का पूरी थ्योरी उन्होंने और पूरा प्रैक्टिकल बताया है। तो संदिठिको यानी कि सामने बिल्कुल दिखाई देता है जो आप देखते हैं अपने अंदर। एकालिको, एकालिको का मतलब है जिसमें कालिक ना हो, यानी कि कोई समय ना लगे, कहते हैं एक क्षण ना लगे, एक क्षण ना लगे और उसका रिजल्ट आ जाए, तो उसको एकालिक बोलते हैं, यानी तुरंत,
अकालिक हो गया वैद्य, जैसे कहते हैं ना अकाल मृत्यु हो गई, तुरंत मृत्यु हो गई, या क्या बोलते हैं अकाल पड़ गया, अकाल का मतलब है तुरंत ही काल खराब हो गया। तो ये अकालिक का मतलब है कि इधर आपने धम्म को लिया, धम्म को ग्रहण किया, और जिस क्षण आप धम्म को सीखना शुरू करते हैं उसी क्षण से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है, अकालिक। ऐसा नहीं है कि आज आपने धम्म लिया, धम्म सीखा और आपको 100 साल बाद लाभ मिलेगा। अभी धम्म सीखो, अभी प्रैक्टिस करो, अभी लाभ मिलेगा। ये मैंने कई बार बताया भी है, उसको देख सकते हैं। ऐही पस्सी को, ऐही पस्सी को, ऐही माने आओ और पस्सी को माने, पस्स माने होता है देखना, यानी ऐही पस्सी को, यानी कि आकर देखने लायक है। ऐही पस्सी को मतलब आके देखिए, आके अजमाइए, आके देखने लायक है ये धम्म कैसा है। आओ और इसको चेक करो, चखो, इसको देखो, पहले वानगी लो इसको, पहले इसका एक नमूना लो, पहले इसका एक मॉडल लो, पहले इसको देख लो, पहले इसको चेक कर लो, ये ऐसा धम्म है। ऐसा नहीं है कि आपको धम्म ग्रहण ही करना पड़ेगा, आ लो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो छोड़ छाड़ कर जाओ अपना जैसा भी काम है। तो ऐही पस्सी को है। ओपनैको, ओपनैको, ओपनैको का मतलब है पास ले जाने वाला। ओपनयन जो होता है जिसको बोलते हैं पास ले जाने वाला, ओपनैको किसके पास ले जाने वाला है। पचतंग यानी कि जो पच माने होता है प्रति और तत्व माने होता तत्व, यानी कि प्रति तत्व के यानी निब्बान के, यानी कि जो आपके अंदर जो प्रति तत्व घट रहा है लगातार लगातार, जो चीजें घट रही हैं, जो निब्बान है या जो जीवन चल रहा है उसके पास ले जाने वाला है, यानी निब्बान के पास ले जाने वाला है, आपको मृत्यु से दूर ले जाने वाला है, आपको अमर करने वाला है। वेदी तब्बो, वेदी तब्बो माने होता है, जो वेदित माने होता है वो होता है जानकार, और विहू माने होता है ज्ञाता, यानी जानकार जितने भी लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन सभी समझदार लोगों के, प्रत्येक समझदार व्यक्ति के इसको समझ लोग है, जानने योग है, यानी जानकार को जानने योग्य है। वेदितव्य माने जो जानकार के योग्य है, और विहूति माने जानकार, जानता है, यानी जानकार लोगों की जानकारी के योग्य है, यानी जो समझदार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, जो व्यू लोग हैं, व्यू माने होता है जो ज्ञाता है, जो ज्ञात हैं, जिनको ज्ञानी बोलते हैं, उनकी जानकारी के योग्य है, वो इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और व्यू ही ती के बाद में माने आता है, ती का मतलब है ऐसा ये धम्म है, ऐसा ये धम्म देखा गया है, ऐसा धम्म सुना गया है, यानी कि स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको ऐही पस्सिको ओपनैको पच्चतंग वेदितब्बो व्यूही ती। आप इसको आराम आराम से पढ़ेंगे, स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको ऐही पस्सिको ओपनैको पच्चतंग वेदितब्बो व्यूही ती, वी यू ही ती, वी यू ही ती, ये पूरा हो जाता है धम्मों में। इसको आप बार 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 पढ़ेंगे तो ये आपको धम्म वंदना में भी काम आता है। इसका एक एक शब्द बहुत सरल है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और बताएं कि धम्म कैसा है, जो बहुत अच्छी तरह से जिसकी व्याख्या की गई है। भगवान के सारे भगवानों का ऐसा धम्म है जो सदृष्टिक है, यानी कि प्रत्यक्ष है, साफ साफ दिखाई देता है, शरीर के अंदर इसको महसूस किया जा सकता है। जो अकाली को है, यानी कि अभी आप कोई मन में अच्छी बात लेके आओगे तो अभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खराब बात लेके आओगे तो खराब मिलेगा, ऐसा ये अकाली को है, तुरंत फल देता है। ऐही पस्सी को है, इसको आना चाहिए, आके इसको देखना चाहिए, आजमाना चाहिए। ओपनई को पचतंग है, यानी कि जो ओपनई को पास ले जाने वाला है, प्रति अत के, यानी कि आपके अपने खुद के पास ले जाने वाला है, निब्बान के पास लेके जाने वाला है। और वेदी तब्बो यानी कि जो ज्ञान के योग्य लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वी यू ही ती के माने हैं कि उनकी जानकारी के योग्य है, जानकार लोगों को जानने के योग्य है, उनको समझने के योग्य है, ऐसा ये धम्म है। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं।
इसके लिए इजाजत लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Time.